कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। एज यू गाइस नो, दराज 11:11 सेल लाइव है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि दराज पे सेल लगी और मैं दराज शॉपिंग हॉल की वीडियो ना बनाऊं। सो मैंने दराज से ढेर सारी शॉपिंग की है और कुछ पार्सल अभी आने हैं, कुछ आ चुके हैं, तो जो आगे हैं उनको अनबॉक्स कर लेते हैं, बिकॉज और ज्यादा मैं वेट नहीं कर सकती क्योंकि मैंने अब तक कोई एक भी चीज ओपन नहीं की आप लोगों की वजह से, कि आप लोगों को दिखाना है साथ साथ। इसके अलावा जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आज आपको दिखाऊंगी उन सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा दराज 11:11 का जो सबसे मेन वाला लिंक है ना, वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 21 नवंबर को सेल खत्म हो जाएगी। सो अभी टाइम की बचत करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मुझे सबसे ज्यादा मजा दराज से शॉपिंग करने में आता है, क्योंकि इतनी इतनी यूनिक और इतनी इतनी डिफरेंट चीजें वहां से मिल जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है जब मैं बोर हो रही होती हूँ ना अक्सर, तो मैं इंटरटेनमेंट के लिए दराज पे चली जाती हूँ और उसको स्क्रॉल डाउन करती रहती हूँ और इंटरेस्टिंग चीजें देखती हूँ, लोगों के रिव्यूज पढ़ती हूँ, और फिर ना चाहते हुए भी मुझे कुछ ना कुछ लेना पड़ जाता है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है कि आपको जो है ना आपके घर से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड, आजकल मुझे कुकिंग का बहुत ज्यादा शौक आया हुआ है, तो मैं जो है काफी सारी चीजें दराज से ऑर्डर कर रही हूँ आजकल, और इससे पहले भी करती रहती हूँ। सो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो है ना एक फेशियल क्लींजर ऑर्डर किया था गोल्डन पर्ल का, इसका मैं रिव्यू इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सेकंड पार्सल यहाँ पे मेरे पास है एक बहुत ही प्रिटी सा बैग। ये तकरीबन ना एक डेढ़ महीने से जब भी मैं दराज ओपन करती थी ना मेरे सामने घूम रहा होता था, और मैं कहती थी इसको तो कभी परचेज करूंगी, अभी नहीं फिर कभी, अभी नहीं फिर कभी। इस दफ़ा इसके ऊपर लगा हुआ था बहुत इंटरेस्टिंग डिस्काउंट, 22% डिस्काउंट लगा हुआ था, और ये मुझे सिर्फ 1474 रुपये का मिल गया। तो मुझे लगा कि छोड़ने वाली चीज़ नहीं है, ले लेना चाहिए। आपको पता है वेस्टर्न कपड़ों के साथ और जो आप कैजुअल ड्रेसिंग करते हो उसके साथ इस तरह के बैग्स वगैरह बहुत प्रिटी लगते हैं, और आप जब इस तरह की कोई चीज़ लेके जाते हो ना बाहर घूमने फिरने या इस तरह से किसी रिलेटिव के घर, तो हर बंदा आपसे ज़रूर पूछता है कि ये बड़ी यूनिक चीज़ है। इस तरह की चीज़ें आपको बाजार से, मार्केट वगैरह से लोकली नहीं मिलती, और अगर बाजार में आपको ये कहीं नजर आ भी जाएगा ना तो उन्होंने मुंह भाड़ के पैसे मांगने हैं इसके। अच्छा, पार्सल ऑर्डर करते हुए तो मज़ा आता ही है, लेकिन जो पार्सल को अनबॉक्स करते हुए मज़ा आता है ना, आय हाय हाय, मतलब एक जो तजस्सुस होता है ना, पता नहीं इसके अंदर से क्या निकलने वाला है। फील कर रही होती हूँ मैं पकड़ के उसको, ऐसे हिला हिला के देख रही होती हूँ कि पता नहीं इसके अंदर क्या है। हालांकि मुझे पता है ऑब्वियसली मैंने जो चीज़ें ऑर्डर की हैं उनमें से ही कुछ होगा, लेकिन मैं प्रोडक्ट्स ऑर्डर करके भूल जाती हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया था, और जब प्रोडक्ट रिसीव होती है फिर मैं एंजॉय करती हूँ उसको ओपन करते हुए। यहाँ पर मैंने ये 3 पीसेस का ट्रे सेट ऑर्डर किया था, ये बहुत ज़बरदस्त है मेहमानों को निम्को, बिस्किट्स और ड्राई फ्रूट्स वगैरह सर्व करने के लिए। अच्छा, हर प्रोडक्ट के साथ मैं उसका स्क्रीनशॉट अटैच कर रही हूँ जिस पर क्लियरली मेंशन है कि प्रोडक्ट की रियल प्राइस क्या थी, कितना डिस्काउंट लगा हुआ था, और डिस्काउंट के बाद क्या प्राइस है। तो वो आप साथ साथ देखते रहिएगा, और कोशिश करूँगी साथ साथ थोड़ा बहुत आप लोगों को बताती रहूँ। इस पार्सल में से बहुत ही प्रीटी सी पैंट निकली है। आपको पता है आजकल वाइड लेग जीन्स का बहुत ज़्यादा फैशन है, और मैंने काफ़ी सारे कलर्स इसमें ऑलरेडी ऑर्डर किए हुए हैं। अभी एक वाइट कलर भी मैंने ऑर्डर किया हुआ है, वो भी मुझे रिसीव नहीं हुआ, वो रिसीव होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, मैंने जो है ना, मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा जो है ना इसका स्टफ होगा, लेकिन ज़बरदस्त है ये। इसी वीडियो के लास्ट में मैंने बहुत ही डिटेल में आप लोगों को बताया है कि आप दराज से प्रोडक्ट्स को कैसे ऑर्डर कर सकते हो, कैसे आपको पता चलेगा कि आपको किस प्रोडक्ट पे कितना डिस्काउंट मिला है, सारा कुछ। तो आप लोगों ने वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना है। हो सकता है कि आप लोग ये वीडियो को देखने के बाद अपनी पसंद की बहुत सारी चीज़ें अपने लिए, अपने जहेज के लिए, अपने घर के लिए ऑर्डर करके मंगवा सको। और जी, ये मैंने बहुत ही क्यूट सा पगिंग पॉट ऑर्डर किया था दराज से। आपको पता है ये थोड़े बहुत अदरक लहसुन वगैरह पीसने के लिए, या जड़ी बूटियाँ बनाने के लिए, या फिर कुछ होम रेमेडीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हो। वीडियो जो व्लॉगर्स हैं उनका, आपको पता है खूबसूरत बर्तनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप उसमें इसे यूज़ कर सकते हो। और ये मेरे मामा के गोल्ड के कड़े हैं, रात काफ़ी हो गई थी तो मामा जा रही थी नानों घर, उन्होंने मुझे बोला फटाफट से ये पहन लो, मैं जा रही हूँ। अभी जो पार्सल मैं ओपन करने वाली हूँ ना, ट्रस्ट मी, ये हमारे अभी इस सीज़न की सख्त तरीन ज़रूरत है, और जब आप इसको देखोगे ना तो आप में से 80% लोग इसको लाजमी ऑर्डर करेंगे, बिकॉज सबको इसकी अच्छा तरीन ज़रूरत है। अच्छा, ये लार्ज स्टोरेज बैग हैं, आपको पता है सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं और गर्मियों के सारे कपड़े पैक करके वापस रखने हैं और सर्दियों के कपड़े निकालने हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, जिसके लिए बड़े साइज़ वाला शॉपर ढूंढना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। सो मुझे जब ये दराज पे बैग्स नज़र आए ना, तो मैंने आंखें बंद करके इनको ऑर्डर कर लिया, क्योंकि मुझे भी गर्मियों के कपड़े पैक करने हैं। और इनका साइज़ मैंने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा साइज़ होगा, लेकिन अच्छा खासा बड़ा साइज़ है, और तकरीबन ना 10-12 सूट आराम से इसके अंदर पूरे आ जाएंगे। गर्मियों का आपको पता है लॉन के कपड़ों की कितनी को फोल्डिंग होती है, आराम से वो एडजस्ट हो जाते हैं। और जी, सिर्फ 396 रुपये के मुझे ये 5 बैग्स मिल गए हैं।
नेक्स्ट पार्सल में जी मैंने ऑर्डर किया था, एक बिल्कुल छोटू सी पैकेजिंग में है, लेकिन इसका टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त मुझे लगा है। पीच कलर का लिक्विड ब्लश है, ये लिक्विड नहीं आप कह सकते, इसको क्रीमी ब्लश आप कह सकते हो। इसमें एक दो कलर और भी अवेलेबल था, पिंक और इस तरह से करके, लेकिन मुझे लगा पहले मुझे एक मंगवा के टेस्ट करना चाहिए, अगर अच्छा होगा फिर मैं एक दो और मंगवा लूँगी। तो ये 295 रुपये का एक मिला था मुझे, क्वान्टिटी अच्छी खासी है तो काफ़ी टाइम मेरा इसके साथ निकल जाएगा। अच्छा, अगर मैं दराज 11/11 सेल से हट के बात करूँ ना, तो दराज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको हमेशा ही प्रोडक्ट्स जो है ना वो डिस्काउंटेड प्राइसेस पे मिलते हैं। बिकॉज आपको पता है दराज जो है ना वो पहले तो पाकिस्तान की ही ऐप थी, लेकिन अब इसको अलीबाबा ने परचेज कर लिया है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिलती हैं देखने को, जो कि बहुत कम प्राइस में मिल जाती हैं। पहले ऐसा होता था कि आप इंटरनेशनल जो पार्सल्स थे उनको डिलीवर नहीं करवा सकते थे। दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई इंटरनेशनल ब्रांड आपको डिलीवर कर भी रही है ना प्रोडक्ट्स, तो वो आपसे एडवांस पेमेंट लेते हैं कि आपने उन्होंने इतनी दूर पार्सल भेजना है, तो ऐसा ना हो कि क्लाइंट पार्सल रिसीव ना करे और पार्सल को रिफ्यूज़ कर दे, तो आपको पता है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है भेजने वाले का, तो ये मसला था। लेकिन अभी दराज का ये सीन है, जितनी मर्जी आप अच्छी या महंगी प्रोडक्ट परचेज करें, आप कैश ऑन डिलीवरी पे उसको ऑर्डर पे मंगवा सकते हो, आप एडवांस पेमेंट भी कर सकते हो बिला झिझक, क्योंकि इसमें फ्रॉड वाला या स्कैम वाला कोई सीन नहीं है। आप इजीली, अगर आपको पार्सल पसंद नहीं आया, आप उसको इजीली रिटर्न कर सकते हो। 14 डेज की रिटर्न पॉलिसी जो है ना वो हमें दराज दे रहा है, तो ये बहुत बेस्ट चीज़ है। अच्छा, ये मैंने जो है ना ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर मंगवाया था लास्ट ईयर, आपको पता है मैं हुंजा गई हुई थी टूर पे, तो मैं जो ज्वेलरी अपने साथ लेके गई हुई थी उसको मैंने बैग में ही साइड पॉकेट्स में कहीं एडजस्ट कर दिया था, और वो वहाँ पहुँचने तक आधी से ज़्यादा ज्वेलरी मेरी जो है ना वो टूट गई थी, बाकी गुम गई थी और कुछ भी मुझे वहाँ जाके नहीं मिला। तो मुझे लगा कि ये वाला ऑर्गेनाइजर बॉक्स होना चाहिए हमारे पास, ताकि जब हम कहीं ट्रैवलिंग पर जाते हैं तो हम इसके अंदर अपनी कोई ज़रूरत की ज्वेलरी हम सारी इसमें रखें, और एट अ टाइम हमें वो एक ही जगह से मिल जाए, ख़राब ना हुई हो। ठीक है, नेक्स्ट जी मैंने ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सा सीरम ऑर्डर किया था, और इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे आए हुए थे, बहुत सस्ता सा था, 298 रुपये का मुझे ये सीरम मिल गया था, पैकेजिंग भी प्राइस के लिहाज से सही बड़ी थी। सो मुझे लगा कि मुझे इसको ऑर्डर करना चाहिए, मैं इसको पहले थोड़ा टाइम यूज़ करवाऊंगी किसी को जिसके फेस पे पोर्स हैं, फिर मैं आप लोगों के साथ इसका फीडबैक शेयर करूंगी कि इसके रिजल्ट्स कैसे थे, देन आप इसको लाजमी ऑर्डर कीजिएगा। ऑब्वियसली नीचे रिव्यूज़ अच्छे थे तो लोगों ने यूज़ करने के बाद ही रिव्यूज़ दिए होते हैं वहाँ पर। उसके बाद ही नेक्स्ट पार्सल को अनबॉक्स कर लेते हैं, बस थोड़े से ही पार्सल रह गए हैं, स्टे ट्यून्ड, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, छोड़ के भी मत जाइएगा, हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ आपको यहाँ से मिल जाए जिसकी आपको शतरीन ज़रूरत थी। यहाँ पर जी मैंने ज़ोएवा के ब्रशेज़ ऑर्डर किए थे, इसकी ज्योमेट्री बहुत ज़बरदस्त थी, मतलब इसका जो पैक था और अच्छी क्वालिटी वाला था, आप इसको बाद में जो है ना एज अ ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर या एज अ मेकअप ऑर्गेनाइजर भी यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर टोटल 15 ब्रशेज थे और ब्रशेस की क्वालिटी अच्छी थी, हम इसको बुरा नहीं कह सकते, बिकॉज आपको पता है जब आप बिगिनिंग लेवल पे होते हो, जब आप मेकअप सीख रहे होते हो, तो आप इतने एक्सपेंसिव ब्रशेस परचेज नहीं कर सकते, तो आपने ये वाले ब्रशेस परचेज कर लेने हैं, ये आपके साथ इजीली चले जाएंगे, आप इसको इजीली अफोर्ड भी कर लोगे। इन सारी प्रोडक्ट्स के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर लिए हैं, विजिट लाजमी कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जी ये नेल्स मैंने ऑर्डर किए थे दराज से, इसमें काफ़ी सारे डिज़ाइंस अवेलेबल थे, वैसे जो है ना इसके ऊपर 33% डिस्काउंट लगा हुआ है, और डिस्काउंट के बाद मुझे 199 रुपये के मिले हैं। साइज़ भी इसका नॉर्मल था, नेल आर्ट ऑलरेडी हुआ हुआ है, जब मैंने वीडियोज़ बनानी होती है ना तो मुझे ज़रूरत पड़ती है बार बार नेल पेंट चेंज करना ये वो, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसी तरह के नेल्स जो है ना वो लगा लूँ, जो कि मैं वीडियो के दौरान लगाऊँ और वीडियो के बाद फ़ौरन से मैं इनको उतार दूँ। अच्छा गाइस, दराज पे मैंने जो है ना अपनी एक शॉप बनाई है, जहाँ पर मैंने सारे ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स जो कि बिल्कुल एज इट इज़ आपको मिलेंगी, जैसे कि वो पिक्चर्स में नज़र आ रही हैं, वो मैंने उसके अंदर ऐड कर दी हैं, तो आप उस शॉप को विजिट कर लेना, मैंने उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो है ना एक लिप ग्लॉस का पैक ऑर्डर किया था, हंडाइयाँ टाइप करके इसका कोई कंपनी का नेम है, और इसकी पैकेजिंग बहुत ज़बरदस्त थी, इसके अंदर टोटल 6 कलर्स थे। अच्छा, इसके अंदर दो पैलेट थे, एक पैलेट ए था, एक पैलेट बी था, एक में न्यूड कलर की सीरीज़ थी, एक में इस तरह से पीच से रेड कलर की सीरीज़ थी, तो आप अपनी मर्ज़ी से जो आपको चाहिए वो ऑर्डर पर मंगवा सकते हो। ये मुझे जो है ना ये मिला है 1499 रुपीज़ में, 40% इसके ऊपर डिस्काउंट लगा हुआ था, तो काफ़ी सस्ता मुझे ये मिल गया था। बड़े बड़े वाले सारे पार्सल्स मैंने अनबॉक्स कर लिए हैं, बस छोटे छोटे वाले पार्सल्स रह गए हैं। इस पार्सल के अंदर से निकली थी छोटी वाली रिंग लाइट, आपने बड़े वाली रिंग लाइट देखी होगी जो कि अक्सर मेकअप ट्यूटोरियल्स में और टिकटॉक्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं इन्फ्लुएंसर्स, तो इसी तरह से एक छोटी वाली रिंग लाइट मिलती है। इसको किस तरह से यूज़ करना है, लेट्स सपोज अगर आप कहीं बाहर गए हो किसी ऐसे जगह पर जहाँ पर आपको पिक्चर्स बनानी है, लेकिन अंधेरा हो गया है, शाम हो गई है और पिक्चर्स सही से नहीं आ रही, तो आप इस रिंग लाइट को यूज़ कर सकते हो। आपने इसकी लाइट को फ्रंट की तरफ रखना है, एंड देन आप इजीली जो है ना अपनी पिक्चर क्लिक कर सकते हो, मतलब आप सेल्फी ले सकते हो, और अगर आप सामने वाले किसी बंदे की पिक्चर ले रहे हो तो आपने इस रिंग का जो फ्रंट साइड है वो आपने पीछे की साइड पर कर देनी है, एंड देन आप इजीली
किसी सामने वाले बंदे की पिक्चर क्लिक कर सकते हो, ये रिचार्जेबल है, आप इसको चार्ज करके चलाओगे। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सस्ती सी है, 350-450 के राउंड अबाउट मुझे ये मिली थी, और क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और तीन शेड्स है इसमें, सबसे लाइट वाला, उससे डार्क और उससे डार्क, ठीक है, तो इसको भी लाजमी परचेज कीजिएगा। एंड लास्ट वन इज़ फ्लैश पिंक फ्लैश का मॉइस्चराइजिंग लिप ग्लोस। सो ये मुझे बहुत बहुत देर से मुझे एक ऐसे लिप ग्लोस की ज़रूरत थी जो कि ग्लोसी हो लेकिन वो इस तरह से ऑयली टाइप ना हो कि आपकी बार बार लिपस्टिक ख़राब होती रहे। तो मुझे ये वाला लिप ग्लोस मिला, इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे आए हुए थे और मैंने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को और काफ़ी सारे मेकअप ट्यूटोरियल्स में मैंने इसको यूज़ करते हुए देखा है लोगों को, तो आई थॉट कि मुझे इसको ले लेना चाहिए। तो मैंने इसके अंदर से एक शेड ऑर्डर किया, इसके अंदर हल्का हल्का शिमर था और आप देख रहे हो कि मैं इसको अपने लिप्स पर लगा रही हूँ, कितना अच्छा और ग्लोसी सा इफेक्ट आया है। सो गाइज, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि आपने दरा से प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कैसे करना है। आपको जो भी प्रोडक्ट पसंद है आपने उसको ऐड टू कार्ट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर बिल्कुल नीचे और राइट साइड से सेकंड पे आपको एक कार्ट का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इसको आपने क्लिक करना है। यहाँ पर वो सारे ही प्रोडक्ट्स आपको शो होंगे जिनको आपने ऐड टू कार्ट किया था। अब जब आपने प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करना है, आपने क्या करना है, आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है और इनमें से वो चीज़ें सिलेक्ट करनी है जिनको आपने ऑर्डर करना है। जैसे कि अभी मैं एक बैग ऑर्डर करने वाली हूँ, एक लिपस्टिक का पैलेट ऑर्डर करने वाली हूँ, एक नेल पेंट का पैलेट ऑर्डर करने वाली हूँ और एक हेयर वैक्स ऑर्डर करने वाली हूँ। ये चीज़ें मुझे कुछ पसंद आई थी जो कि मुझे अभी इस वक्त ऑर्डर करनी है, तो मैंने इन सबको सिलेक्ट किया। उसके बाद नीचे ऑप्शन है चेकआउट का, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपका पूरा डिटेल शो होगी कि आपने कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है ना वो ऑर्डर कर ली है, ठीक है। यहाँ पर अब क्या होगा, हर प्रोडक्ट के साथ मेंशन है कि आपको कितने रुपए बचे हैं इसको ऑर्डर करने के लिए जस्ट बिकॉज ऑफ दराज 11/11 सेल। तो हर प्रोडक्ट के नीचे मेंशन है कि आपने 200, 250, 400, 450 इस तरह से जो है ना वो आपको बचत हुई है दराज 11/11 सेल की वजह से। और सबसे ज़्यादा बचत मुझे हेयर वैक्स में हुई है। जितनी ज़्यादा महंगी चीज़ होगी उतने ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिलेंगे। यहाँ पर पूरी रेट लिस्ट आपको नज़र आ रही होगी जहाँ पर आपको पता चलेगा कि टोटल आपकी अमाउंट कितनी थी, डिलीवरी के कितने चार्जेस थे, डिलीवरी में कितना डिस्काउंट हुआ और टोटल बिल में से आपको एक्स्ट्रा कितना डिस्काउंट मिला, और उसके बाद जो बिल बना था वो आपको नीचे शो हो जाएगा। यहाँ से आपने प्लेस ऑर्डर पे जाना है। अब जी यहाँ पर आपको सारी पेमेंट से रिलेटेड डिटेल्स होंगी कि आपने कार्ड पेमेंट करने हैं या दराज वैलेट वाले पैसे यूज़ करने हैं, या फिर आपने इजी पैसा से पेमेंट करनी है, या फिर आपने HBL बैंक अकाउंट से पेमेंट करनी है, या फिर आप जो है ना वो कैश ऑन डिलीवरी करना चाह रहे हो, मतलब पार्सल आप तक आया एंड देन आप पेमेंट करोगे। आपने इन चारों में से कोई एक ऑप्शन जो है ना वो सिलेक्ट कर लेना है। मैं मोस्टली जो है ना वो इजी पैसा से पेमेंट करती हूँ, तो मैं इजी पैसा वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लूँगी। उसके बाद हम जो है वो पे नाउ पे जाएंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड्स आप वेट करोगे तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगी इजी पैसा के ऊपर कि दराज जो है ना वो पेमेंट मांग रहा है, ठीक है। तो आपने उस पर क्लिक करना है, अपना इजी पैसा का अकाउंट ओपन करना है और यहाँ से आपने इसको जो है ना वो एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करोगे तो आपके पेमेंट डन हो जाएगी। हाँ, लेकिन आपके इजी पैसा में पेमेंट होनी भी चाहिए, ये नहीं है कि इजी पैसा में पेमेंट नहीं है और आप पेमेंट करते जा रहे हो। अब यहाँ पर हमारा ऑर्डर डन हो गया है। ये हमारे टोटल आइटम्स हैं जो हमने ऑर्डर की हैं और ये इनकी डेट्स हैं जिन डेट्स पे हमें पार्सल जो है ना वो डिलीवर हो जाएंगे। सो गाइज, कैसा लगा आप लोगों को मेरा आज का वीडियो? ये था मेरा छोटा सा दराज शॉपिंग हॉल। काफी सारी प्रोडक्ट्स अभी रहती हैं जो कि मुझे अभी रिसीव नहीं हुई, जो मुझे रिसीव हो गई थी वो मैंने आप लोगों को दिखा दी है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इन सारी चीजों में से सबसे ज्यादा अच्छी चीज आपको कौन सी लगी, और कोई भी इनमें से ऐसी चीज नहीं है जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो। 1500 से 1600 से नीचे नीचे ही है सारी चीजें, तो आप इनको लाजमी परचेज करना। इनकी सबकी क्वालिटी तकरीबन बहुत ज्यादा जबरदस्त है। बाकी इंशाल्लाह जो इनमें से 2-3 चीजें हैं उनका डिटेल्ड वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अच्छा, दराज 11/11 सेल जो है ना वो साल में सिर्फ एक बार लगती है और ये साल की सबसे बड़ी सेल होती है, जिसमें आपको बहुत बड़े बड़े मेगा डिस्काउंट, डिस्काउंटेड वाउचर्स और इसके अलावा फ्री शिपिंग और बहुत सारी ऐसी डील्स मिलती हैं जो कि पूरे साल में आपको कभी भी नहीं मिलती, ठीक है। तो आपने देखा होगा काफी सारे ब्रांड्स पे, अदर ब्रांड्स पे भी सेल्स वगैरह जो है ना वो लाइव है। तो आपने, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 11/11 सेल का लिंक मेंशन कर दिया, उस लिंक पे जाओगे ईच एंड एवरीथिंग आपको वहां पर मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके किचन से लेके सफाई वाले चीजों से लेके हर चीज, इवन कॉस्मेटिक्स, कपड़े, जूते, ज्वेलरी, सब कुछ आप लोगों को जो है ना वो 11/11 सेल में मिल रहा है। अच्छा, मैंने दराज पे अपनी शॉप बनाई है और उस शॉप में मैंने जितनी भी ऑथेंटिक चीजें थी, जितनी भी वेरीफाइड प्रोडक्ट्स थी जो कि मुझे लगता है कि अगर आप वो परचेज करोगे तो 100% आपको एग्जैक्ट वैसी ही चीज मिलेगी जैसी कि आपको स्क्रीन पे या वीडियो पे नजर आ रही होगी, तो आप उन्हें परचेज कर सकते हो। उन सारी चीजों को मैंने एक अलहदा कैटेगरी बना ली है अपने नाम से ही, उसको आप मेरी शॉप बोल सकते हो, आसमा खान की दराज शॉप बोल सकते हो आप उसको। उस शॉप पे मैंने बहुत सारी चीजें ऐड की हैं, एक्सपेंसिव भी, चीप भी, कम प्राइस वाली भी, सारी चीजें मैंने उसमें ऐड कर दी हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके भी प्रोडक्ट्स को चेकआउट कर सकते हो और लाजमी चेकआउट कर लेना, चेकआउट करने के तो कोई पैसे नहीं होते ना। सो जितनी भी चीजें मैंने आज आपको दिखाई हैं इनमें से आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद आई है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
अभी जैसे ही मुझे बाकी के प्रोडक्ट्स रिसीव होंगे एक और दराज शॉपिंग हॉल का वीडियो बनाएंगे। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, दो में आ जाके मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।